हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स स्ट्रेटेजी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक जितने भी उनके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाया गया है ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएँ उससे पहले ये वीडियो देख लें या हमारी जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर देखें। यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिक जीके के वीडियो, साथ ही हमारे जितने राज्य यूनियन टेरेटरी हैं उनके बारे में भी मैंने स्टैटिक जीके की एक प्ले लिस्ट बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट वाली सेक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की बात दोस्तों सबसे अच्छी ये है कि इसे छोटे रूप में बनाया गया है। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो ग्रुप डी हो, डेली पुलिस हो, SSC के कोई भी एग्जाम हो, CHSL, CGL, MTS या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या स्टेट PSC का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जहाँ भी स्टैटिक जीके आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पुस्तकों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, इंडिका को मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया, वहीं मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया है, बम का दर्शन ये भगवती चरण बोरा के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस जो बुक है उसको विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, हाफ ए लाइफ BS नायपोल के द्वारा लिखी गई, कामसूत्र को बादशाहन के द्वारा लिखा गया है, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है, वहीं हर्षचरित और कादंबरी को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जो हर्षचरित है वह जो महाराजा हर्षवर्धन हुए थे उनके ऊपर लिखी गई है, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, गीत गोविंद को जयदेव के द्वारा, पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, स्पीड पोस्ट सुभा डे ने लिखा है, वहीं शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। कुछ और जो पुस्तक हैं उनके बारे में बता दें तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, बाबरनामा बाबर के द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, वहीं हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान इस बुक को खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, मालती माधव को भवभूति ने लिखा है, असिचुअल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है हितोपदेश, इसे नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये आर वेंकट रमन के द्वारा लिखी गई है जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। दोस्तों, हर एग्जाम में ये बुक पूछी ही जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। गोदान, गबन और कर्मभूमि, ये तीन पुस्तकें हैं दोस्तों अलग अलग, इन्हें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने लिखा है, गीतांजलि और गोरा को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों, आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दो बार चुने गए हैं। इंडिया विद विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। तमस्कु भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ, ये इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखी गई। लाइफ डिवाइन, दोस्तों ये अलग अलग पुस्तक हैं। यहाँ पर है डिवाइन लाइफ जो शिवानंद के द्वारा लिखी गई, और लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। इसमें दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सूर्य का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा, जो वंदे मातरम है ये हमारा राष्ट्रगीत भी है जो इसी पुस्तक से लिया गया है। यामा को महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। भारत, भारती और साकेत, इसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। विनय पत्रिका को गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा ही रामचरितमानस भी लिखा गया है। मालगुड़ी डेज गाइड, ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कुछ और पुस्तकें हैं आपको बता दें, पाथेर पांचाली भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम अशोक घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। मिलिंद पन्हो, ये नागसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द रिपब्लिक, ये प्लूटो के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यहाँ से जो इंग्लिश राइटर हैं उनकी पुस्तकों के नाम है, तो द रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा लिखी गई है।
दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। स्ट्रगल स्मॉल लाइफ, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। वर एंड पीस लियो, ये टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। मीन कैंप, यानी इसका हिंदी मतलब होता है मेरा संघर्ष, ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो जर्मनी का था। मदर इंडिया कैथरीन के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स को अरस्तू ने लिखा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ जो विदेशियों के द्वारा भी लिखी गई। इसके बाद आता है माई लाइफ द रोड अहेड, ये बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है जो यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री रहे एडम स्मिथ, आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपिया जो बुक है वह न्यूटन के द्वारा लिखी गई। फैमिली टटोलो और मैकबेथ, ये शेक्सपियर की पुस्तकें हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन द सेनेटिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। टाइम, ये ग्राहम के द्वारा लिखी गई है। द ऑर्डर ऑफ सिटी ऑफ, ये बराक ओबामा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, आपको याद होना चाहिए। बेकअप इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। जब ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी तभी इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बेकअप इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है भारतीय लेखक विदेशी लेखकों की जितनी पुस्तक उनके बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।